वाहगुरु जी का खालसा वाहगुरु जी की फतेह। जिमें कि सानू सब नू पता है कि अज असी इत्थे इकट्ठे क्यों होए हाँ। साडे भारत विच जो साडे किसानां नाल हो रहा है अते ओह लगातार पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हन, पर भारत दी सरकार दे कन्नां ते जूं नहीं सिरक रही। अज असी अपने भारत दे किसानां दे हक विच इत्थे इकट्ठे होए हाँ। सब तो पहला असी कुछ नारे बुलावांगे अते उस तो बाद जिहड़े भी वीरां भैणां ने अपनी गल करनी है वह करनगे। वी सपोर्ट, वी सपोर्ट, साडा हक, साडा हक, इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन डेमोक्रेसी, इंडियन डेमोक्रेसी, हिपोक्रेसी, इंडियन डेमोक्रेसी इज हिपोक्रेसी, इंडियन डेमोक्रेसी, इंडियन डेमोक्रेसी, भारत सरकार जबर जुलम नू थम्मेगी, जबर जुलम नू थम्मेगी, जबर जुलम नू थम्मनगे, जबर जुलम नू थम्मनगे। बोले सो निहाल सा श्री अकाल। पहला मैं बेनती करांगी विपनीत कौर नू कि वो आके इंट्रोडक्टरी स्पीच देन। थैंक यू विपनीत कौर। बिचों देख सकती हैं पर वैसे ट्राई करी वाहगुरु जी का खालसा वाहगुरु जी की फतेह। जिमें कि तुहानू पता ही है मोदी गवर्नमेंट ने इंडिया विच थ्री फार्मर बिल इंट्रोड्यूस किए ने जो कि एक्चुअली एंटी फार्मर्स ने। किसान तो पहला ही बड़े संघर्षों विचों लंघ रहे सी, उन्होंने कोई सबसिडी नहीं मिलती, उन्होंने फसलों का रेट उन्होंने कॉस्ट नालों घट हुंदा है। मोदी सरकार ने यह बिल कोरोना वायरस के टाइम पर इंट्रोड्यूस किए क्योंकि उन्होंने पता सी कि इस टाइम पर हर कोई आपो अपने घर विच डर के बैठा होएगा, पर किसानां लई तां इह बिल डैथ वारंट सी। किसानां ने बड़ी शांति नाल 2 महीने पंजाब विच प्रोटेस्ट किया, फिर जदों उन्हां नूं लगा कि साडी आवाज़ दिल्ली तक नहीं पहुँच रही तां उन्हां ने आप दिल्ली नूं तुरन दा फैसला कर लिया, जिस नूं मोदी सरकार ने बहुत वॉयलेंटली रोकण दी कोशिश की, यह कह के कि कोरोना वायरस दे टाइम ते इन्नी गैदरिंग नहीं कर सकते। बंदा इन पुछण वाला होवे कि उदों कोरोना वायरस कित्थे सी जदों बिहार विच इलैक्शन कैंपेन कर रहे सी, मतलब इन्हें डबल स्टैंडर्ड्स क्यों ने। मैं भारत वाले नूं पुछना चाहुंदी हाँ कि तुसीं इहो जे प्राइम मिनिस्टर नूं चुंदे ही क्यों जे जिहड़ा हर एक टाइम ते अपनी पब्लिक ते ही तशद्दुद करदा रहिंदा है। पब्लिक प्राइवेट कंपनीज ते आउण नाल उही हाल होवेगा जो गन्ने दा हाल होया है। गन्ने ते भी MSP हैगी है पर 3-3 साल तक किसानां नूं उसकी कीमत नहीं मिलती। इन्हें स्टोरेज की लिमिट भी बंद कर दिती है जिस नाल प्राइवेट कंपनीज अपनी फसलों नूं स्टोर करके रखेंगे अते दुगने तिगने रेट ते बाद विच उन्हां नूं सैल करेंगे। इन्हें वॉयलेंस कीती तां कीती, प्रोटेस्ट के दौरान इन्हें एक होर बिल इंट्रोड्यूस किया कि तुसीं अपनी तुसीं अग नहीं लगा सकते। इनू फैक्ट्रीज अते व्हीकल्स का पोल्यूशन नहीं नज़र आता, एग्रीकल्चर का तो सिर्फ 4% पोल्यूशन क्रिएट होता है। जे क्रॉप रेजिड्यू रह भी जाती है तो उन्होंने डिस्पोज करने के कोई ऑप्शन दसे। किसानों करोड़ रुपए का फाइन देना उन्होंने जेल से सुट्ट नाल किसी भी चीज़ का हल नहीं हो सकता। असी बस मैं बस ये कहना चाहनी हाँ कि मोदी अपने लॉ नू वापस लवे अते किसानों ते वॉयलेंट अटैक करना बंद करे। डेमोक्रेसी के नाम ते ये डिक्टेटर बन गया है। लगता इनू ये नहीं पता कि पंजाबी हुन मैदान विच आ गए ने तां जित हासिल ही करके जाणगे। असी पिछे मुड़न वालों चो नहीं हाँ। बोले सो निहाल सत श्री अकाल। बोले सो निहाल
हुण मैं बेनती करांगी वीर जी सरबप्रीत सिंह जी नूं कि वह आके अपने विचार पेश करन। धन्यवाद भैन जी समा देने वास्ते। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। ढाई क महीने पहला जो संघर्ष पंजाब की धरती तो चलिया सी वो इंज लगता सी कि सेंटर सरकार दे जिहड़े तीन कानून हैं MSP का कानून है, दूजा मंडीकरण को ख़त्म करन का कानून है, तो तीजा जिहड़ा सब तो जिहड़ा खौफनाक कानून वो ये है कि तुसी अपनी फसल जिहड़ी है उन्नू अनलिमिटेड तरीके नाल स्टोर कर सकते हो। जिहड़ियां ये तिन्ने जिहड़ियां शर्तां हन वह किसानां दे विरोधी नहीं बल्कि समाज के हर एक वर्ग के विरोधी हैं। वह किस तरह भावें कोई खेतीबाड़ी नाल संबंधित है, भावें कोई नौकरियां करता है, जिहड़ा खाण पीण दा जिहड़ा अपने कोल जिहड़ा साधन है वह फसलां उगाउणा, उस तो बाद उन्हूं वेचना, तो फिर उहदी जिहड़ी इकोनमी है और रोटेशन के रूप के असी सारे साडा जिहड़ा इकोनमिकल जिहड़ा सिस्टम है वह इंप्रूव हुंदा है। पर ये जिहड़े तिन्ने कानून जिहड़े बनाए हैं बड़ी शैतानी नाल, पहला बिल के रूप के फिर संसद का सैशन जिहड़ा है वह तेजी नाल करके तो उन्हूं कानून का रूप दिता गया है। जदों ढाई महीने पहला असी पंजाब की धरती तो संघर्ष शुरू किया सी, लगता सी कि कोई सेंटर सरकार दे सिर ते जूं सिरकेगी क्योंकि शांतमई चलदा संघर्ष पहला पंजाब दे अलग अलग इलाकों तो मंडियों तो रेल रोकू अंदोलन, तो फिर एक वड्डा मोर्चा जिहड़ा शंभू बार्डर ते लग्या सी, लगता सी कि कोई फर्क पएगा, पर ढाई महीने शांतमई संघर्ष तो बाद भी कोई बहुता फर्क नहीं पिया। पंजाब की जिहड़ी धरती है वह हमेशा दबदी आई है सेंटर वालों, भावें वह 1947 की वंड होवे, भावें वह पंजाब के पानिया का मसला होवे, भावें चंडीगढ़ के उत्ते अपना दावा पेश करन दी गल होवे, या पंजाबी बोलदे सूबियां दी गल होवे, या 80 तो उपर जिहड़े पिंड जिहड़े तबाह करके पुआध के एरिए चंडीगढ़ नूं अस्टैबलिश किया गया है, या फिर पंजाब का जिहड़ा सरकारी एजुकेशन सिस्टम है उन्हूं प्राइवेटाइज किया गया है। असी सारे भली भां जानते हाँ क्योंकि साडे रिश्तेदार पंजाब दे विच रहिंदे ने, साडा आउणा जाणा लगा रहिंदा है सारिआं दा, पर एक गल सोचण वाली है कि असी उन्हां नूं दस के की आउंदे हाँ, साडा सुनेहा की हुंदा पंजाब दे विच, की कल्ला विआह शादियां नूं अटेंड करना साडा मकसद हुंदा है, या छुट्टियां दे रूप दे विच असी जाते हाँ। असी सारे इत्थे सिस्टम देखदे हाँ कि किवें प्राइम मिनिस्टर जिहड़ा है वह कोल्स दे विच अपनी ग्रोसरी शॉपिंग करता है, साडा फर्ज है इस सिस्टम नूं उत्थे अपने लोगों तक लैके जाना, उन्हां नूं गाइड करना और उन्हां नूं दसना कि जिहड़ा पोलीटिकल फ्रंट तुसी चुनदे हो वह बड़ा वधिया तरीके नाल सिस्टम दे विच रह के तुसी चुनना हुंदा है क्योंकि उन्हें देश की नुमाइंदगी करनी हुंदी है। पर इंडिया दे विच ये चीज़ां जिहड़ियां हन वो औखियां लगदियां हन, पर जे असी उन्हां नूं गाइड करांगे दसांगे टाइम टाइम ते एजुकेट करांगे तां इत्थे वी इह चीज़ पॉसिबल हो सकदी है। मुद्दतें गुजर गई है रंजो गम सहते हुए, मुद्दतें गुजर गई है रंजो गम सहते हुए, अब तो शर्म सी आती है उस वतन को वतन कहते हुए। क्यों शर्म आती है? क्योंकि अज साडे 80-90 साल के बजुर्गों नूं ठंड दे विच रहना पै रहा है, उन्हां ते पानी दीआं बछाड़ां चल रही हन, डंडियां नाल उन्हां दा स्वागत किया जा रहा है। पर सेंटर सरकार नूं यह समझ लेना चाहीदा है ये जिहड़ा संघर्ष है यह गुरु गोबिंद सिंह दे योधियां तो शुरू होया है, तो सब तो जिहड़ी चंगी चीज़ यह हुई है संघर्ष दे विच कि सानूं हमेशा वंडिया जांदा सी, कदे राजनीतिक पार्टियां दे तौर ते, कदे धार्मिक फिरका प्रस्ती दे तौर ते, या जातिवाद दे तौर ते, पर इस वार सारे जिहड़े किसान हन भावें यूपी हरियाणा
राजस्थान MP बिहार सारे इकट्ठे होके उन्होंने दिल्ली नू घेरिया है। ये कोई लड़ाई इस तरीके की नहीं है कि एक कोई असी जंग जितनी है या कोई इस तरह, इस साम्राज्यवाद वर्सेज समाजवाद है। समाज जिहड़ा बनता है वह मेहनती ईमानदार ते किरती लोगों नाल बनता है। तो हमेशा ही साम्राज्यवादी जिहड़े लोग होंदे हन, जिहड़े वड्डे वड्डे घराणियां दे लोग हन, उन्हां दी इह कोशिश हुंदी है कि समाज नूं हमेशा दबाया जावे। वह दबाउंदे किवें हन? गलत पॉलिसियां नाल। वह गलत पॉलिसियां किसी रूप दे विच भी हो सकदियां हन। सो इस करके मैं बहुता टाइम नहीं लैणा, पर जिहड़ी सब तो वड्डी गल है कि असी विदेशों तो इस प्रोटेस्ट नूं किवें सपोर्ट करना है। साढ़े वीरां ने उत्थे मोर्चा लाया है, पर साढ़े भी कोई इत्थे विदेशों की धरती ते रहिंदे होए साढ़े फर्ज़ हन, वह फर्ज़ असी किवें निभाउणे हन? सब तो पहला तो तुसीं अपने सोशल मीडिया ते एक्टिव होवो। कोई भी किसान अंदोलन नाल रिलेटड कोई पोस्ट आउंदी है उन्हां दी सपोर्ट दे विच उहनूं जरूर शेयर करो। कल्ला अंगूठा नप के अपना काम नहीं बनना, बोलण दी कोशिश करो। असी एक मुहिम चलाई है पंजाब TV दे उत्ते, क्योंकि COVID-19 दे रिस्ट्रिक्शन चल रही हैं, बहुते ज़्यादा आपां इकट्ठे नहीं हो सकते। तुसीं घरां तों छोटे छोटे वीडियो क्लिप जिहड़े विरोध दे विच रोस दे विच बना के कोई भी शब्दावली, चाहे छोटे बच्चे अंग्रेजी दे विच या पंजाबी दे विच, या जे कोई हिंदू फैमिली सन साडे विच ते ओह हिंदी दे विच बना के साडे चैनल ते नंबर असी डिस्प्ले कीता होया है ऑलरेडी, वो फॉरवर्ड करो। असी उहनूं अपने पेज ते शेयर करांगे ते होर भी अदारियां नूं देवांगे, तां कि जिहड़ा ये मैसेज है, ये जिहड़ा प्रोटेस्ट है, इहनूं वर्ल्डवाइड किया जाए। दूजी गल, जिहड़े अपने क्रिकेट के प्लेयर इत्थे आए हुए हैं खेडण, असी उहनां दा स्वागत भी करते हाँ, पहला भी करते रहे हाँ, पर हुण क्योंकि साडे किसानां दा अंदोलन चल रहा है ते साडी जिहड़ी लड़ाई है वह सेंटर सरकार नाल है, इस करके असी उन्हां नूं सिंबोलिक तौर पर प्रोटेस्ट लई जाना है। पहला असी टिकटां खर्च के पैसे खर्च के जाते सी, पर इस वारी जे किसी ने जाना है तो अपने होर्डिंग्स ते बैनर नाल लैके जाने हन। उत्थे तुसी मैच दे विच तुसी प्रोटेस्ट दे रूप दे विच जाना है, पहला वांगू इंजॉय करन या हॉलीडे मनाउन नहीं जाना। दूजी चीज़, बहुत सारे बॉलीवुड दे जिहड़े अदाकार हन ओह पंजाब तो बिलोंग करते हैं, पर उन्होंने कोई बहुती इस प्रोटेस्ट की सपोर्ट नहीं की। जे उन्होंने साडा पासा नहीं मल्लिया तो असी भी उन्हों का पासा नहीं मलना। सो दूजी जी असी इतों बैठे ने सपोर्ट करनी है वह इस तरीके की है। तीजी चीज़, अज तकरीबन 2 बसा अपने किसान नुमाइंदगी दिया 31 जथेबंदियों के लीडर अज सरकार नाल नैगोशिएशन वास्ते गए हैं। जे उतों कोई गल अपनी सिरे चढ़ती है तो ठीक है, नहीं तो यह प्रोटेस्ट जोड़ा है वह असी वे तौर पर करांगे। अपडेट्स जिहड़ियां हन उह नाल दी नाल तुहानूं मिलदियां रहणगियां। सिटी दे विच जा के आपां चाहे पार्लीमेंट नूं आपां घराओ करिए परमिशन लै के, या फिर आपां बॉक्सिंग डे ते जिहड़ा टेस्ट होना है उत्थे आपां वड्डे पद्धर दे उत्ते प्रदर्शन करिए। सो इन्नियां जिहड़ियां गल्लां हन उह असीं विदेशां दी धरती तों रहि के इस अंदोलन नूं, इस प्रोटेस्ट नूं असीं जिंदा रखणा है। जे हल अज नहीं हुंदा ते जांदा जांदा मैं तुहाडे नाल इक गल होर शेयर कर दियां कि आपां नाल दी नाल बच्चों नूं, अपनी फैमिलीज़ नूं, जां होर जिहड़े परिवार अजे तक घरे हन जिहड़े ये सोचते हैं कि असीं विदेशों की धरती ते हाँ असीं किवें इस प्रोटेस्ट नूं सपोर्ट करना है, उन्हां नूं भी आपां एजुकेट करिए ते उन्हां नूं भी आपां नाल जोड़न की कोशिश करिए। ले मिशाले निकल पड़े हैं लोग मेरे गाँव के, ले मिशाले निकल पड़े हैं लोग मेरे गाँव के, अब अंधेरा चीर देंगे लोग मेरे गाँव के। इन्नियां गुजारिशां करदा होया तुहाडे तों सारयां तों खिमा दा जाच खां। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जिवें कि वीर जी ने कहा है कि सानू फार्मर्स की इत्थे बैठ के सपोर्ट करनी चाहीदी है। जे असी देखिए तां सानू परमात्मा ने बहुत कुछ दिता है कि असी इत्थे आ गए हाँ। सानू चाहीदा है कि असी वध तों वध जिहड़े भी तरीके दे नाल हिस्सा पा सकते हाँ पाइए। साडा इत्थे बैठिया का मन बहुत उदास है कि साडे उत्थे बजुर्ग बच्चे मातावां जो कि ठंड के मौसम विच सड़कां ते रुल रहे हैं, पर साडी भारत सरकार के कन्न ते कोई जू नहीं सिरक रही। सरकारां इह नहीं हुंदियां कि वह अपने ही लोगों ते तशद्दद करन, ये सिर्फ कहन दी डेमोक्रेसी है।
असल विच यह सरकार बिल्कुल तानाशाह बनी हुई है। अते इस तो भी शर्म वाली गल यह है कि साडा उथे नैशनल मीडिया, जबकि मीडिया जो है वह निरपक्ष होना चाहिए है। मीडिया नू किसे एक दा पक्षपात नहीं करना चाहिए, पर साडा मीडिया सरकारां दा विकिया होया है। वो ओहो बोलते हैं जो उन्हां कोलों बुलवाया जाता है। अज असीं न्यूज़ सुनते हाँ कि मीडिया कह रहा है कि खालिस्तानी हैं। कुछ बॉलीवुड के सितारे जिन्हों की असी फिल्मा देखते हाँ, जिन्हों असी जिन्हों के फैन बनते हाँ, जिन्हों असी इन्नी उचाई तक पहुँचाया, वह भी साडे लई इह जे बयान दे रहे हैं कि ये अतवादी हैं। मैं इत्थे इह कहना चाहांगी कि एक सिख जो दो टाइम ते सरबत दे भले की अरदास करता है, वह अतवादी जां वख-वखी किवें हो सकता है? फिर वख-वादी अतवादी तो यह हैं, इन्होंने शुरू तो सानू पाड़िया। 1947 की गल देख लवो तो सब तो वध कुरबानियां साडे सिखां दीआं हन। असी इन्हां नू आज़ादी लैके दित्ती, अते जद 1950 विच संविधान बनता है तो यह उदों ही अपनी गल्लां तो मुकर गए। 1954 विच पटेल वालों चिट्ठी कढ़ी जाती है कि सिख एक जराए पेशा कौम है, फिर वखवादी कौन है? असी तो ताडे नाल वफा कीती। फिर 1984 ते आ जाइए तो इन्होंने सानू झूठे पुलिस मुकाबले बना के भुनिया। उस टाइम ते भी मीडिया वो दिखा रहा सी जो ये चाहते सी, पर उस टाइम ते साडे कोल सोशल मीडिया नहीं सी। अज साडे कोल चंगी गल यह है कि साडा लोकल मीडिया है, उत्थे कुछ साडा सोशल मीडिया सानू जिहड़ियां उत्थों दियां न्यूज़ पहुँचा रहा है। अपने देश दे लोकां ते पीसफुली प्रोटेस्ट करते हुए तुसी तशद्दद करते हो, तो उन्हां ही लोकां नू तुसी वखवादी कह रहे हो। एक उत्थे वीर दी असी वीडियो हर एक ने देखी होएगी, नवदीप सिंह जिसने पानी दियां पछाड़ां पाउंदे ट्रक के उपर जाके उहदा ही पानी दा मूँह पुलिस वालियां वाल मोड़ दिता, अते उस ते केस हुंदा है इरादा कतल दा। फिर मैं पूछना चाहती हाँ कि इरादा कतल दा केस पुलिस वालियां ते क्यों नहीं? 1984 तो बाद भी इन्होंने सानू साडी पंजाब दी खास करके जवानी नू नशियां विच गाल दिता। हुण इन्होंने साडे लई इह जे घातक बिल लै आंदे कि जदों किसानां नू लग्गिया कि तां साडे मौत दे वरंट हन, इस तों बाद तां साडे कोल है ही कुछ नहीं। जब किसान अपनियां मंगां लई बाहर आउंदे हन तां असीं अतवादी, असीं खालिस्तानी। जब मुस्लिम बोलते हैं तो वह अतवादी। गल यह है कि जिन्नियां भी माइनोरिटीज़ हैं वो बोलेंगे तो असीं उन्हां नू गोलियां नाल उड़ा देवांगे, तुसी अतवादी हो, तुसी वखवादी हो। इन्होंने इस खास करके इस हकूमत ने धर्मां विच इन्नियां वंडियां पा दित्तियां। जब असीं छोटे हुंदे सी साडे मनां विच इह नहीं सी कि हिंदू है सिख है, इन्होंने धर्मां नू वंड दिता। जातां पातां दे नां ते अपनी राजनीति करते हैं ये लोग। गलत असी भी हाँ, कितने ना कितने असी राजनीतिक पार्टियां दा करके लड़ते हाँ एक दूसरे नाल। सानू सब नू चाहिदा है कि असी अपने भाईचारक सांझा कायम करिए। असी कोई अकाली, कांग्रेस, भाजपा नहीं, असी पंजाबी हाँ अते असी एक दूजे दे भैण भाई हाँ। असी इन्हां पार्टीज़ का बाइकआउट करिए, असी इस नैशनल मीडिया का बाइकआउट करिए। सो अखीर विच मैं यही कहांगी कि आपां जिन्ना हो सके अपनी आवाज़ नूं इस कंट्री विच पहुँचाइए, तां जो इन्हां गवर्नमेंट्स नूं पता लगे कि साडे लोकां नाल उत्थे हो की रहा है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। हुण मैं बेनती करदी हाँ भैण अमृतप्रीत कौर नूं, जी गुरु प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। पहले बुलारे ने वैसे सारा कुछ कवर ही कर लिया है कि क्यों, नाले सानू सारे पता ही है कि कानून काले क्यों ने, तो यदा की सिट्टा निकल वाला है। लोंग टर्म च जिवें साडे लैंड जांदे रहणगे, इह वैसे सिर्फ किसानां दी उहनां दी जिहड़ी हैगी है किरते दी लड़ाई नहीं आ, इह उहनां दी होंद दी लड़ाई आ। इह नाले सिर्फ साडे पंजाबी किसानां दी लड़ाई नहीं आ, इह सारे भारत दे किसानां दी लड़ाई है। जे आपां झात मारीए कि जिहड़ा इह सारा जिहड़ा व्यापारा वापर रहा साडे नाल, इह हो की रहा वा? सारी तुसीं देखो कि जिहड़े भी पिलर हुंदे आ किसे देश दी डेमोक्रेसी नूं रखण दे, उह सारे प्राइवेट हो गए। उह एक या दो परिवारां दे अंडर ही सारे चले गए।
हुण सब तो अखीरला हल्ला है जिहड़ा सब तो वड्डा हल्ला जिहड़ा साडे ते मार रहे ने इहदे नाल जिहड़ा जिहड़ा पंजाब छड्डो पूरा जिहड़ा इंडिया आ वैसे तो पंजाब ही लीडर रहिंदा है तां करके लोकां नूं इक प्रॉब्लम है कि पंजाबी क्यों अगे आ रहे होर सारे कित्थे आ होर जिहड़े प्रदेश क्यों नहीं आ रहे वैसे तो हुण आ रहे ने हरियाणा यूपी तो बिहार के भी जिन्ने बेचारे अपने कपैसिटी पहुँच सकते हो पहुँच रहे हैं उन्होंने सारों जो विखा नहीं रहा मीडिया वक्री गल पर उत्थे है वह पर फिर भी ये सब तो वड्डा जिहड़ा हल्ला पंजाब वास्ते आ पर बाकी दूजे प्रदेशों वास्ते भी आ जे इहदा आपां विरोध ना ना कर सके जे आपां इह पलट ना सके तो फिर साडे तो ये गल भुल जो कि सिर्फ जिहड़े इंडिया बैठे उन्हां वास्ते प्रॉब्लम होनी आ जिहड़े असीं इत्थे बैठे आ ना सानूं तो जहाज नहीं साडे उतरन देणे उन्हां ने सिर ते दस्तारा मूँह ते दाड़ियां तो तुहाडे नावां दे पिछे सिंह कौर वेख के ना तुहानूं उतर नहीं देना उन्होंने उत्थे इर तो अगे इह होना वा इस करके इस गौरमेंट नूं थंभ पाउणी हुणे बहुत जरूरी है ये जिहड़ी चीज़ है बहुत ही सीरीयस है। दूजी चीज़ जी मैं कहनी ही कि जिवें वीर जी ने कहा कि सानू सोशल मीडिया से एक्टिव होने की लड़ है भैन जी ने कहा कि सानू इतने वो प्रैशर बनाने की तो उन्होंने वास्ते एडवोकेसी करने की लड़ है। हुण आपां देखिए कि हुणे नवीं अज खबर आई है कि सवेरे अज 2:30 बजे इंडिया के टाइम पर उन्होंने मुंडे फड़े जिहड़े 6 ते 16 जने सी जिहड़े विच शरारती अंसर वड़ के ते बदनाम करन दी मोर्चे नूं ते जो जाट अंदोलन नूं जिद्दां फेल कीता सारियां कोझियां हरकतां जिहड़ी है दे जिहड़ा हैगा हरियाणा गौरमेंट ते मोदी गौरमेंट कर रही आ इह चीज़ दी सानूं किसे नूं भुलेखा नहीं है ते ना जिहड़े साडे उत्थे वीर भाई बैठे उन्हां नूं कोई भुलेखा आ पर एक चीज़ जिहड़ी हमेशा हुंदी आई आ उह हुण फिर उही कर रहे ने मीडिया के थ्रू कर रहे हैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करके कर रहे हैं कि इनह्यूमेन बना देना कल नूं जो साडे उत्ते इवेंट होगा ठीक है ना गवर्नमेंट कुछ कर रही है टाइम के वेट एंड वॉच कर रही है ना साडे किसान भाइयों ने पिछे हटना फिर ये मूवमेंट किद्दां अगे वधूगी उस कोई इवेंट होगा इवेंट बने कि वह भावें कोई लाठीचार्ज कर देन लाठीचार्ज औखा आ कोई भैड़ी चीज़ वो कर सकते हैं उत्थे बैठे तो फिर वह हूँ इस टाइम की भूमिका बनते बह सारा कुछ करके कि कल जो इन्हें गोलियां चलनगियां इन्हों दी शहीदियां पैणगियां तो इन्हों दे नाल कोई खड़ा ना होवे इन्हां नूं सिर्फ टैररिस्ट टैग ला के ते इन्हूं जस्टिफाई कर दिता जाए जो कि यह हमेशा स्टेट अज मोदी आ एक दिन इंदिरा सी और तो पहला कोई होर सी हमेशा स्टेटां दे चेहरे बदलते रहिंदे इन्हां दे करतूतां यही रहिंदियां वा पर एक फर्क है जेड़ा हुण साडे को एक सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म हैगा एक जेडे कि असीं हुण पढ़ लिख गए हाँ जेडे आपां बाहर आए हाँ आपां इहनूं एक इंटरनेशनल लैवल ते इहनां दी जिहड़ियां कोझियां हरकतां है हुण तो नंगियां करिए ठीक है भावें कि आपां दे कई जणे कहिंदे कि आपां जो मर्जी कर लईए उहदा कोई फर्क नहीं पैणा नहीं फर्क पैंदा आ हुण मोदी भावें विखावे तो जो मर्जी करी जावे अंदरों जिन्ना डरिया बैठा जिन्नी हिली पई आ उह सारी गवर्नमेंट उह सारे सानूं पता ही है भावें उह मन्ने भावें ना मन्ने आपां सारे जणे ट्विटर दा अकाउंट बनाओ एक जिहड़ा जो इंडिया दे सवेर दे 8 बजदे आ ना तो अपने इत्थे मैनूं लगदा वजदे आ कोई 1:30-2 वजदा है उस तो बाद जिहड़ियां हैशटैग वालियां जिन्नियां हुंदियां आ अपनियां जिवें फार्मर्स प्रोटेस्ट हो गया गोडी मीडिया हो गया जां जो भी अपना मोदी बारे जो भी तुसीं लिखणा हुंदा उहदे विच आए हुंदे आ हैशटैग ना वखरे वखरे उह सारे तुसीं पाया करो ट्रेंड 'च जाण जदों ट्रेंड 'च जांदे आ फिर उत्ते इंटरनेशनल न्यूज़ बन जाती है सिर्फ वो इंडिया की न्यूज़ नहीं रहती फिर वो सारे वर्ल्डवाइड न्यूज़ बन जाती है एक वो प्लेटफॉर्म हैगा वा दूजी चीज़ जी आप करनी आ कि सारे लैटर्स के प जोड़े है टैंपलेट्स रेडी ने पिछे सारी उन्हों की बैकग्राउंड रेडी आ वे भी कई ने सिंगा ने तैयार किए 70-70 पेज के पूरी बैकग्राउंड है वो क्या की कुछ हो रहा बैकग्राउंड की आ सारे अपने एमपियां नू अपने प्राइवेट अकाउंटा तो अपने लोकल एमपियां नू ईमेल करो ईमेल करन तो बाद एक फॉलोअप फोन कॉल करो भैन जी ने सलाह कर रहे कि जिते जिते आप इकट्ठे हो के एक ग्रुप च जाके भी उन्होंने एक मांग पत्र देिए कि तुसी साडे बिहार से स्टेटमेंट दो वह भी करिए इहदे नाल की हुंदा कि जे कल नूं उते गोली चलदी आ ना फिर इतों के एम पी असी उन्हों का वोट बैंक है ये फिर सानू जवाबदेही है जे साडे बिहाव ते कुछ करते नहीं आ पिछले च की होया कि आप इंटरनेशनल जो दबाव बनाते फेल रहे हैं ऐतकी आप चीज़ से आप बिल्कुल फेल नहीं होना यह चीज़ तो आप हमने सोची आप किसी वड्डा कारा होने गवर्नमेंट की वेट ना करिए आप हूँ तो ही इस चीज़ तो सतर्कता वरतीए तो जो कुछ आप बाहर बैठे कर सकते हो करिए बाकी जे कि मेरी इंडियन गवर्नमेंट नूं चुनौती है जे एक भी बंदे ते गोली चल गई ना तो लंबी इतने कतार बहुत आ हजे तो सिर्फ उ ट्रेलर चलता पाया हजे अद्धे बंदे भी नहीं कि उत्थे 20% भी बंदा नहीं है तो उत्थे तो तुम मुकाओगे ही सारे बारले भी कतीरा घत देवे उधर इस करके तुम ये चीज़ को जान लो कि ताड़ी जिंदगी सब तो वड्डी मोदी है तेरी ये सब तो वड्डी गलती होगी ना ही तेन अंडानी तो अंबानी सिर्फ ये ना सोचियो कि मोदी को तू बली का बकरा बना के तो निकल जाओगे ताडे खानदान घर वसाते हो ना जे साडे बच्चे तो साडे माँ प्यो उत्थे कुछ होया ना तो तुम समझ लो कि ताड़ी भी खैर नहीं है
वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। बोले सो निहाल सा जुलम जबर नु थमेगी, जुलम जबर नु थमेगी, वाहेगुरू जी का खालसा थमनगे। बोले सो निहाल वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। जिवें भैन जी ने गल की है, यह बहुत जरूरी है कि असी ट्विटर के अकाउंट बनाईए, क्योंकि ट्विटर एक इंटरनेशनल साडे कोल प्लेटफॉर्म है अपनी न्यूज़ नूं पहुँचाउण दा। अते जो भी ये ट्विटर ये पा रहे हैं, जिवें कंगना रनौत का तुसी देखा होएगा ट्विटर ते हर दिन साडियां माइयां लई, साडे उत्थे जो बजुर्ग बैठे हैं, साडे भरा बैठे हैं, उन्हां लई पा रही है वखरा वखरा। जे साडे कोल ट्विटर अकाउंट होएगा असी भी अपनी गल पहुँचा सकांगे। अते उहदे विच कुछ हैशटैग दिते हैं उन्होंने, जिवें सपोर्ट फार्मर्स, हैशटैग फार्मर प्रोटेस्ट, वो असी तुहानू वट्सएप ते सेंड कर देवांगे, जो उत्थों वीर बेनती कर रहे हैं हैशटैग की। ये साडे लिए बहुत जरूरी होएगा, क्योंकि जिहड़ी मोदी सरकार है इन्होंने वापस नहीं मुड़ना। यह ऑलरेडी जिवें इन्होंने मोगे विच सोलो प्लाट लाए हुए हैं ऑलरेडी, इन्हें अडानी अंबानी दे नाल पहला ही सारा इहदा जो प्रोग्राम है वो प्लैन हो चुका है। वैसे भी साडे कोल बचिया की साडा BSNL सी, वह भी इन्होंने जियो विच तब्दील कर दिता। साडी ऑयल इंडस्ट्री, कोक इंडस्ट्री, साडे रेलवेज, साडे हवाई अड्डे, सब कुछ अज अंबानी एंड अडानी कोल है। इतों तक कि साडी डिफेंस, जदों कि अंबानी नूं उस चीज़ की ट्रेनिंग भी नहीं सी, उसने कंपनी बाद विच खोली। सो मोदी एक एक करके साडे हिंदुस्तान की हर एक चीज़ वेच रहा है, तो हूँ एक खेती भी उन्होंने देन ते आ गया है। ये तो पक्की गल है कि जदों इन्होंने 1 तरीक नूं मीटिंग की, उहदे विच भी इन्होंने कहा कि लॉ वापस नहीं हो सकता, जबकि लॉ इन्हों का बनाया होया है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं। पर मुद्दा यह है कि वापस करना नहीं चाहते। सो इन्होंने हर हिला वह वरतना है कि यह उन्होंने मोर्चे नूं ढा लाउण। उहदे विच जो कुछ जिहियां हरकतां शुरू तो करते आ रहे हैं, इन्हां को साजिशां बहुत हैं, इन्हां ने बहुत बंदे विच वाड़े होए हैं। एक बंदा सी वीडियो देख रहे सी, वो दिवाली दा बॉम्ब लगा रहा सी, वो सिर्फ इसलिए कि जदों बॉम्ब चलेगा तो नाल दी नाल ही पुलिस जो है जवाबी कार्रवाई विच गोली चला देवेगी। सो साडे फार्मर्स ऑलमोस्ट 2 महीनों तो ज़्यादा हो गया है वह पीसफुली प्रोटेस्ट कर, उन्होंने 1 रुपए का किसी का नुकसान नहीं किया। ये जद भी उत्थे माहौल खराब होवेगा, ये गवर्नमेंट वालों करवाया जाएगा, गवर्नमेंट के बंदे भी आ के साडे किसानों वालों शो करनगे। जिवें कि जिस दिन ये आ रहे से दिल्ली नूं, उस दिन भी कुछ लड़कियां ने आके विच पत्थर चलाए पुलिस वाल, जो कि बाद विच किसानों ने फड़े भी, वो मुंडे जो कि गवर्नमेंट दे भेजे हुए सी, उन्होंने पत्थर मारे पुलिस नूं, ते पुलिस ने जवाब विच पत्थर मारे, जो कि साडे बहुत किसान साडे उत्थे बजुर्गों के भी मत्थियां दे विच लगे। सो इन्हां दीआं चालां बहुत कोझियां हन, क्योंकि चालां चलदे आए हन, इन्हां नूं पता है असीं गलत हाँ, इसलिए ये हर हालत विच कोशिश करनगे कि मोर्चा खत्म हो जाए। वैसे तो साडे पंजाबियों नूं उस दिन उठना चाहीदा सी जिस दिन नोटबंदी होई सी, बहुत पंजाबियों ने बहुत बजुर्गों ने उदों सुसाइड किए, जिस बजुर्ग की बेटी का विआह रख्या होया सी पैसे ना मिलन करके उन्हें सुसाइड किया, फिर इन्हें GST लियांदी, ये तो सानू टो रहा सी कि असी किन्ना जरदे हाँ, असी जर गए, हुण इहनूं लग्या कि ये जर जाणगे, पर अज पंजाबियों ने दिखा दिता कि साडी अणख नूं वंगारेगा तो असी खड़े हो जावांगे। सो असी परमात्मा अगे यही अरदास करते हाँ कि जिन्नी मेहनत उत्थे कर रहे हैं उन्हां नूं उन्हां दा आउटपुट मिले। बाकी ट्विटर ते एंड सोशल मीडिया ते जिन्ना साडे कोलों हो सकता है असी शेयर करिए। हुण मैं बेनती करांगी भैन नवजोत कौर नूं कि वो तुहाडे नाल कुछ विचार सांझे करन। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। पहला तो मैं तुहाडे सारे भैन भरावां दा थैंक यू करना चाहुंदी हाँ कि तुसीं अपने इन्ने सारे कीमती टाइम चो टाइम कढ के सारे इत्थे आए हो। आई नो तुसीं सारे बिजी हो, बट थैंक यू सो मच। तो मेरे भैन दे भरावां ने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिता तुहानूं सारिआं नूं बिल्लां बारे, तो उन्होंने ऑलरेडी दस दिता है कि किवें फार्मर्स और उत्थे बैठ के किवें प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तकलीफ उदों हुंदी है जदों असी अपने माँ प्यो ते यंग भरावां नूं जां उत्थों मावां नूं
ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਵੀ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਹੀਲੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਾਡਾ ਤਨ ਮਨ ਦਿਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਨਾ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਟੈਰਰਿਸਟ ਕੌਮ ਆ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੈਰਰਿਸਟ ਕੌਮ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਕੌਮ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨਾ ਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜੀਣਾ ਆ। ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ? ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗਣਾ ਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਰਰਿਸਟ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਆ। ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੋਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਪਾਇਆ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਟੈਰਰਿਸਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਆਪਣੀ ਐਨਰਜੀ ਅਤੇ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਸਟ ਕਰਨ ਦਾ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਉੱਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਖਾਣਾ ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਥੇ ਹੋਊਗੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਰਹੀ ਗੱਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਾਜ ਸੰਭਾ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਈ ਐਮ ਇਨ ਫੇਵਰ ਆਫ ਆਲ ਦਾ ਫਾਰਮਰਸ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਜੇ ਪੂਰਾ ਡਾਟਾ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਸਾਈਡਲ ਕੇਸ ਹੋਏ ਨੇ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਫਾਰਮਿੰਗ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਫੇਵਰ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਫਾਰਮਰਸ ਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੰਨੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਤੰਗੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ? ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਹੀ ਖੋਏ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਰਰਿਸਟ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਦੈਟਸ ਆਲ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਾਣੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ 5-10-15 ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਆਈ ਨੋ ਐਵਰੀ ਵਨ ਇਜ਼ ਬਿਜ਼ੀ ਬਟ ਵੀ ਕੈਨ ਸਪੇਅਰ 30 ਮਿੰਟਸ ਐਵਰੀ ਡੇ ਔਰ ਵੰਸ ਇਨ ਅ ਵੀਕ ਸਮਟਾਈਮਸ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਫੋਰ ਕਮਿੰਗ। ਅਤੇ ਆਲ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੇ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨਾ ਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੜਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਬੈਠੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਫਲਾਈਟਾਂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜੋ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਜੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਵੀ ਆਰ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਫੋਰ ਫਾਰਮਰਸ। ਸੋ ਇਫ ਦੇ ਵੀ ਵਿਲ ਨੋਟ ਸਪੋਰਟ ਫਾਰਮਰਸ ਦੇ ਵਿਲ ਨੋਟ ਬੀ ਐਨੀ ਫੂਡ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਐਵਰੀ ਵਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਖੋਲਿਆ, ਪਾਣੀ ਖੋਲੇ, ਭਾਸ਼ਾ ਖੋਲੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜੋ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਐਂਡ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਰਾਇਟਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਉਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਜੀ ਉਹ PhD ਹਨ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਵੀ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੂੰਹ ਚੜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿੱਲਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਦ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲਸ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਲਈ ਹਨ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2014 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੰਪੇਨ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ।
उस तो बाद जब मोदी नू कहा गया तो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो उदो मोदी ने एफीडेविट दिता सी कि जे असी स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट लागू करते हाँ तो इंडियन इकोनमी डाउन हो जाएगी। हुण एक घातक बिल लिया के कह रहा है कि मैं स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट लागू की है। फिर जब एक तरीक नू अमित शाह का फोन आता है किसान जथेबंदियों नू, अमित शाह ने कहा ही मैं खुद आवांगा। सब तो पहला धोखा तो वह सी कि मीटिंग विच ही नहीं आया। उही तीन पहला वाले जो मंत्री सन, खेती मंत्री एंड रेलवे मंत्री एंड एक होर सी, उन्होंने किसानों का जो ये पहला रिटर्न विच दे के आए सी वो तो उन्होंने पढ़िया तक भी नहीं, तो हाले भी कह रहे हैं कि सानू समझाओ कि ये तुहाडे अंगेंस्ट किवें हन। पर साडे किसान बजुर्ग बहुत सियाने हैं, उन्होंने कहा कि असीं तुहानू कोई मौका नहीं देवांगे। अज तीन तरीक वाली मीटिंग विच वो कहिंदे चाहे सानू चार पांच घंटे बैठ बिठा लवो असीं तुहानू समझावांगे कि साडे विरोधी बिल किवें हन। पर सानू कोई मोदी गवर्नमेंट आस नज़र नहीं आती कि वह कानूनों नू वापस लवेगा, क्योंकि उन्हें एक तरीक नू भी यही कहा सी कि इन्हां दे पैरेलल कानून बन सकते हैं पर ये वापस नहीं होंगे। एंड वैसे भी इनू इनकरेजमेंट मिली हुई है जो इन्हें जम्मू कश्मीर विच कीता। सानू सब नू पता है कश्मीर विच हर एक बंदे नू उहदे घर दे अंदर अरैसट किया गया। कोई बुजुर्ग मर रहा है उसनू हॉस्पिटल नहीं जान दिता गया। किसी बीबी की डिलीवरी है, बीबी भी मर रही है, बच्चा भी मर रहा है घर विच। उन्होंने जो लीडर से उन्होंने आपो अपने घर अरैसट किया गया। उतों का इंटरनेट बंद है, जे कोई इंटरनेट चलाने की कोशिश कर एक एक मुंडे ते UAPA लगता है इसलिए कि उन्हें VPN ला लिया सी। ये है डेमोक्रेसी। साढ़े 200 बुद्धिजीवी अज जेल विच हन, उन्होंने UAPA लाया गया। की किया सी उन्होंने कि वह AK-47 फड़ी फिरते सन। एक बुलारा, एक राइटर किवें अतवादी हो सकता है? पहला इन्हों को टाडा सी, हुण UAPA टाडा नालों भी घातक है, क्योंकि एक सिंगल बंदे नू अतवादी ऐलान देंदे हन। एक ऑर्गेनाइजेशन की भी लोड़ नहीं, हर एक सिख अतवादी है इन्हां लई, हर एक मुसलमान अतवादी है। फिर साडे लोगों के दिमाग में भरिया जाता है पाकिस्तानी साडे दुश्मन। क्यों साडे दुश्मन हैं? वह भी ह्यूमन बीइंग हैं, असी भी ह्यूमन बीइंग हाँ। क्यों साडे लोगों विच नफरत भरी जाती है? क्यों सानू धर्मां दे नां ते मरवा रहे हैं ये लोग? कदी ये दलित का पत्ता खेडते हैं की कर रहे हो दलितों वास्ते? तुसी हाथरस दे विच जिहड़ी घटना वापरी असीं सारयां ने पढ़ी है। एक बच्ची का रेप हुंदा है, उसकी रीढ़ की हड्डी कट, उसकी जुबान कट दी जाती, रीढ़ की हड्डी कट दी जाती, ये कर रहे हो दलित लई तुसी? उत्थे मीडिया दियां दो बीबियां गईयां, उन्हां दोवां ते UAPA ला के इन्हां ने अंदर किया। ये है डेमोक्रेसी? जे असी बोलांगे जब असी इंडिया जावांगे शायद साढ़े ते भी UAPA ला देन। ये साजिशां रच रहे हैं ये साढ़े लई, ये बहुत घातक हैं देश लई, ये देश नू वेच रहे हैं, देश नू बर्बाद कर रहे हैं। सो सानू सारयां नू सोचना चाहिए है। असी इत्थे बैठे एक तो असी अपने बच्चों नू पंजाबी पढ़ाईए, पंजाबी सिखाईए, असी अपनी भाषा नू प्रमोट करिए। हर एक देश चाहे तुसी चाइनीज़ देख लो, ग्रीस वाले देख लो, हर बंदा अपनी लैंग्वेज बोलता है। असी अपनी लैंग्वेज नू क्यों छड़ रहे हाँ? क्यों असी अपनी भाषा नू देसी कहिंदे हाँ? व्हाट्स मेंट बाय देसी? ये साडी जुबान है। जिहड़ी जुबान मर जाती है कौमां तबाह हो जांदियां हन। असी जिंदे हाँ अपनी जुबान दे सिर ते, असी जिंदे हाँ अपने इतिहास दे सिर ते। साडा बहुत अमीर विरसा है, असी अपने बच्चों नू दसीए कि असी किन्हां दे वारिस हाँ जिन्हां ने कुर्बानियां, साडा इतिहास तां खून नाल कुर्बानियां नाल भरिया पिया है। सानू तां माण होना चाहीदा है कि असी उन्हां दे वारिस हाँ। असी बीबियां, असी माई भागो दियां वारिस हाँ। असी अगे आ के बराबर ते लड़न जाते हाँ। सो मैं ये बेनती करांगी कि असी सारे बहुत बिजी हाँ, मैं मानती हाँ, आप एटलीस्ट वीक दे विच एक बारी इकट्ठे होइए तां जो असी अपने अपनियां गल्लां रख सकीए। साडी आवाज़ मीडिया विच जाएगी, साडी इत्थों दी गवर्नमेंट तक जाएगी, साडे बच्चे सुनणगे असी कौन हाँ, साडी हिस्ट्री नू जानणगे, साडे नाल उत्थे की हो रहा है साडे बच्चों नू पता लगेगा। जे असी अज भी इकट्ठे ना होए तां आउण वाले समय विच जद आउण वालियां पीढ़ियां सानू पुछणगियां कि जद उह अग लगी सी तुसी कित्थे सी, जे तुसी लाई नहीं तां तुसी बुझाउण क्यों नहीं गए, तुसी अपने ते मरम लाउण क्यों नहीं गए, तुसी अग बुझाई क्यों नहीं, मरम लाई क्यों नहीं? की जवाब देवांगे असी?
सो असी अपना अपना पार्ट अदा करिए, क्योंकि एक एक दे नाल ही काफला बनता है। अते आज काफले ने दिल्ली नू हिलाया होया है, असी सब देख रहे हाँ। मोदी ने ये एक्सपैक्ट नहीं किया सीगा कि पंजाबी दिल्ली और हरियाणा का जिहड़ा चीफ मिनिस्टर हैगा आ, वह तो कहिंदा सी हरियाणे दे विच वड़ के विखाउण, दिल्ली तो बहुत दूर, साढ़े योधे दिल्ली की हिक ते नच रहे हैं। अज मोदी हिलिया होया है अज, पर इको एक चाल है कि मोर्चे नू फेल करना है, कानून वापिस नहीं लेने, क्योंकि अपने लोगों का चंगा कर ही नहीं सकता। तो अज की प्रचार हो रहा है कि सिर्फ पंजाब बैठा है, पूरे देश दियां स्टेट्स मध्य प्रदेश राजस्थान हरियाणा इन्होंने हरियाणा तो पंजाब नू वंडिया सी, अज हरियाणे ते पंजाबियों ने दिखा दिता कि असी एक हाँ। हरियाणे वाले पंजाबियों के अगे हो के सब कुछ कर रहे हैं, बैरीकेड तोड़े हरियाणे वाले ने अगे हो के। सो साडे दिलों विच नफरत नहीं, ये लोग नफरत फैलाते हैं, नफरत के नाते राजनीति खेडते हैं। सो मैं यही बेनती करांगी कि आप इकट्ठे होइए, असी जिन्ना अपना पार्ट है वो अदा करिए। बोले सो निहाल, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। होर मेरा कोई भी भैन भरा जे कुछ भी अपने बयान पेश करने चाहते हो तो प्लीज़ मोस्ट वेलकम। अगला इस वीकेंड ते तो बहुत रेन है, नैक्सट वीकेंड ते शनिवार, मैनू लगता कि शनिवार अपन दोबारा इकट्ठे होइए, क्योंकि इस शनि एतवार बहुत मीह है, असी वैदर देखा सीगा तां ही अज इकट्ठे होए सी। प्लीज़ तुसी सेंड कर दो सारे नू मैसेज, उहदे विच कोई स्ट्रेंथ दी लिमिटेशन तो नहीं, कोविड रिस्ट्रिक्शन बाय कार, ओके। वैसे मैनू अज भी श्योर नहीं सी, मैनू लगा सी कि शायद असी 50 लोग इकट्ठे हो सकते हैं, क्योंकि मैं जदों पुलिस नू कॉल कीती सी ते उन्होंने मैनू कहा सी कि यू कैन गेट टूगैदर 50 पीपल। ओके ठीक है, मैं असी ए करते हैं, असी सोशल मीडिया ते एक हाँ व्हाट्सएप ग्रुप बना लैंदे हां, जो तां जो असी सारयां नू इनफॉर्म कर सकीए, क्योंकि साढ़े आन नाल कम से कम साड़ी आवा। तो मैं बहुत धन्यवाद करती हाँ पंजाब टीवी दे वीरियां दा जिन्होंने आके साड़ी आवाज़ नू अगे पहुँचाउण दा काम किया। सो हुण सानू चाहिए है कि असी मोदी के खिलाफ नारेबाजी करिए, क्योंकि ये आवाज़ उत्थों तक तो पहुँचेगी। मोदी सरकार, मोदी सरकार, जालिम मोदी, जालिम मोदी, देश विरोधी, जालिम मोदी, जालिम मोदी, जबर जुलम नू थम्मनगे, जबर जुलम नू थम्मेगी मोदी सरकार, किसान मजदूर एकता, वही सपोर्ट, वही सपोर्ट, साडे हक। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अंकल जी तुसी आके बोल दो जी कुछ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं अपने लोगों ने एक गल सांझी करना चाहती सी कि जिवें आप ऑस्ट्रेलिया च रहिंदे आ, अपने सारे कैनेडा च रहिंदे आ, अमेरिका च रहिंदे आ, उत्थे ईवीएम मशीन नहीं हैगियां, फिर अपने भारत च क्यों? सानू इस गल का विरोध करना चाहिए कि आपां पंजाबियों नू ईवीएम के थ्रू वोट नहीं पाउणी चाहिए, क्योंकि ये सरासर धोखा अपने लोगों नाल। अहीं जो नेता चुनदे आ सामने आउंदे ही नहीं, ये एक सारा प्रोपोगंडा इन्हां दा, अपने ही लोग सामने लैके आउंदे आ। जिवें इत्थे
हाँ जी यस हाँ जी हाँ जी से प्रदर्शन जिहड़े आ उह ते इक आखिरला मौका रह जांदा ना जदों सारे कानून साडे गलत बन जांदे साडे विरोध च बन जांदे आ ते सानूं पहलां ही अपना एक नेता उत्थे रखना चाहिए अपने ईवीएम मशीनां नूं बिल्कुल ही बायकट करना चाहिए अपने पंजाबियों नूं बिल्कुल भी वोट नहीं पाउणी चाहिए पंजाबियों नूं भी किसी भी इंडिया च किसी भी आदमी नूं ईवीएम दे थ्रू वोट नहीं पाउणी चाहिए हुण पेपर बेस वोट पाओ अपने नेता चुनो अगे लियाओ ते उहनां नूं बोलण दा मौका दो ते अपने हक आप लवो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतह वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। हाँ जी यह एक बहुत मेन इशू है क्योंकि बिहार की रीसेंटली इलेक्शन हुई है तो उतों भाजपा जीती है जबकि जो बिहार की आवाज़ देखिए तो उन्होंने वह बिहार इन्होंने बीजेपी के अगेंस्ट सन ये उदों इलेक्शन जीते जदों हर इंसान इन्होंने अगेंस्ट है फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये ईवीएम एक बहुत व्डा तो जे तुम गूगल तो सर्च करोगे तो उत्थे आता है ईवीएम इज़ नॉट ऑनेस्ट सो इट शुड बी बैलेट पेपर्स पर जे असी बाइकॉट करते हाँ वो नाल कोई फर्क नहीं पेगा क्योंकि ये मैटर नहीं करता कि किन्ने परसेंट पोलिंग हुई है जिन्ने भी परसेंट पोलिंग होएगी वो जो जितता है उस उ जित होंगी है ये सानू ईवीएम का विरोध करना चाहिए कि ईवीएम हटा के बैलेट पेपर लिया जा क्योंकि बहुत वड्डा धोखा है साढ़े नाल बस जो भी बोलेगा उन्होंने चाके जेल में सुट देंगे जे तुसी वोट नहीं पाओगे उहदे नाल कोई फर्क नहीं पाऊगा क्योंकि 100% 100% नहीं होएगी बाइकॉट इन्हां दे जो लोग हैं तो वोट पाउणगे फिर ये उन्हां दे विचों हाईएस्ट नंबर कढ लैणगे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।